हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर को एंड्रॉयड वर्जन में कैसे कन्वर्ट करें। तो गाइस, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो आपको सिंपली क्रोम ओपन कर लेना है और आपको एंड्रॉयड 86 लिखना है। आपको मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो आपको यहाँ पर ग्रीन आइकन पर क्लिक करना है, डाउनलोड फ्रॉम व्हाट्सएप इस पर क्लिक करना है। आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको 32 बिट ISO फाइल डाउनलोड करनी है। आपका 64 बिट हो या 32 बिट हो, आपका 64 हो तो 64 करना है, 32 है तो 32 बिट करना है। ISO फाइल डाउनलोड करना है गाइस, ISO फाइल मैं बता रहा हूँ, RMP फाइल डाउनलोड मत करना गाइस, ISO फाइल डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये देखिए मेरा 32 बिट है और 4GB रैम है गाइस, इसमें मैं आपको एंड्रॉयड वर्जन चला कर दिखाऊंगा। तो आपको चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको ISO फाइल डाउनलोड कर लेनी है, जो आपको पसंद आए वो कर लेना। ISO फाइल 32 बिट, मेरा 32 बिट है, मैं ISO फाइल 32 बिट डाउनलोड कर रहा हूँ। तो गाइस ये मैंने डाउनलोड कर लिया 32 बिट। अब आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, पावर ISO ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। ये देखिए 17 मिनट डाउनलोड हो जाएगा, देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब आपको पावर ISO को ओपन कर लेना है, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखिए ये पावर ISO है, कन्वर्ट होगी। तो आपको यहाँ पर आपको जाना है इस पे और फिर तो 64, तो ये डाउनलोड कर लेना आप। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। टेबल पेन ड्राइव कैसे बनाए तो आपको दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ से आप ओपन कर लेना पावर ISO। यहाँ पर आपके सामने कुछ सेकंड्स चलेंगे, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको टूल पे क्लिक करना है, क्रिएट अ बूटेबल पेन ड्राइव और ओके कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा, फिर वहाँ पर आपके कुछ सेकंड्स चलेंगे, उस पर क्लिक करना है। ये आपके सामने बूटेबल का खुल जाएगा और यहाँ से आपको फाइल सिलेक्ट करनी है और आपको पेन ड्राइव सिलेक्ट कर लेनी है। आपको एक ही पेन ड्राइव लगानी है बस। और ये देखिए बहुत फास्ट हो जाएगा गाइस, ये देख सकते हैं आपको 2% हो चुका है, इस फास्ट होगा, इस ऐप से बहुत फास्ट हो जाता है। तो गाइस तो आप इसी ऐप का यूज़ करें पावर ISO। तो गाइस ये हो जाएगा वीडियो, मैं स्किप कर देता हूँ गाइस, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए गाइस, तो गाइस ये हो चुका है डाउनलोड। तो अब इसको क्लोज कर देंगे और अपने PC को रिस्टार्ट करेंगे। तो आप अपने PC को रिस्टार्ट कर लेना या सीधा रिस्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना। मैं अपने PC को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको F10, 11, 12 इन तीनों बटन में से तीनों को एक साथ प्रेस कर देना, आपके सामने बूट ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पेन ड्राइव सिलेक्ट करनी है अपनी। पेन ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन ये तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। तीसरे नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, तो आपको वेट करना है 1 मिनट कम से कम। ये आपका ऐसा खुल जाएगा, आपको एंड्रॉइड नाम से मैंने एक फाइल बना रखी है अपने मतलब कंप्यूटर में, और फिर ये एंड्रॉइड तो EXT4 करना है, क्योंकि आपको EXT4 ही करना है, NTFS मत करना, नहीं तो आपका पार्टी मतलब स्टोरेज ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, यस 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 कर देंगे, आपके सामने एक्सट्रैक्ट होगी फाइल, इंस्टॉलिंग इंस्टॉल प्रोसेस हो रहा है गाइस। अब आपको कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना गाइस प्लीज़। तो गाइस ये हो चुका है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। रिबूट करना है तो रिबूट या रन, सीधा रन हो जाएगा गाइस। अब आपके सामने ये एंड्रॉइड वर्जन खुल जाएगा।
ये देखिए, ये कुछ लोडिंग हो रही है, फाइल सेटिंग्स हो रही है, अपने आप खुल जाए, ओपन हो जाएगा ये। तो गाइस वीडियो थोड़ी स्किप कर देता हूँ, 3 मिनट लगेंगे कम से कम। गाइस आप वेट कर जरूर कर लेना, ये मत सोचना मेरा होगा नहीं, हो जाएगा गाइस। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना। यहाँ से आप जो मैं कर रहा हूँ उसी स्टेप को फॉलो कर देना, या आप करते जाना आपको आता है तो। यहाँ पर आप अपने वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मैं वाईफाई कनेक्ट करता हूँ फास्टली। तो गाइस ये वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा अपने आप, ये देखिए कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर अपडेट, चेकिंग फॉर अपडेट, और जीमेल अकाउंट अपना डालना है तो डाल दीजिए। यहाँ इसमें आप पबजी, फ्री फायर कुछ भी खेल सकते हैं गाइस, बहुत आसान सा तरीका है। तो ये मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाऊंगा गाइस, स्किप स्किप कर देता हूँ, बाद में बनाऊंगा जीमेल अकाउंट, बना देता हूँ। चलो गाइस बहुत जल्दी नंबर ही डालना है, इसमें नंबर डाल देंगे गाइस। फिर आपको नेक्स्ट करना है, पासवर्ड डालना अपना, जो भी पासवर्ड है, फिर आपके सामने आपका ये खुल जाएगा। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, मतलब एंड्रॉइड वर्जन बहुत बढ़िया है गाइस, आप कोई सा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर जो बूटेबल पेन ड्राइव में ना, वही मेन चीज है, वहीं पर आपको सावधानी रखनी है। तो गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और अलो पे क्लिक, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिनिशिंग हो चुका है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ये आपका ओपन हो जाएगा स्टार्ट। यहाँ पर आपसे टेक्स्ट बार में पूछता है या मोबाइल के जैसे चलाना है आपको, मैं टेक्स्ट बार में आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देखिए मतलब पीसी की तरह चलेगा, तो एंड्रॉइड की तरह कर देता हूँ। ये देखिए साइड में आपको कुछ दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे आप प्ले स्टोर भी चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हो गाइस। यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, और मैं आपको स्टोरेज भी दिखाऊंगा गाइस। यहाँ से आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेना, ये अपडेट हो रहा है, मतलब ये प्ले स्टोर पुराना वर्जन है तो सब कुछ अपडेट होगा, अपने आप हो जाएगा गाइस। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया चाहिए, आप मोबाइल से भी कनेक्ट करके चला सकते हैं इसको, जी फ्री फायर कुछ भी डाउनलोड करके चला सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी, मोबाइल थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, सॉरी इसके लिए, नहीं तो मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा देता। बहुत आसान सा तरीका है गाइस, ये देखिए इसको अपडेट करना पड़ेगा, आपका सब चलेगा, बस अपडेट कर देना सब कुछ को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ये देखिए मैं आपको स्टोरेज दिखा देता हूँ, इंस्टॉल पे जाते ये देखिए 29 GB, अगर आप NTFS करते हो तो 500 MB स्टोरेज आती सिर्फ, इसलिए EXT4।